ठीक है, तो इसका यूज करेंगे पॉलिटी में, जीएसटी पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ध्रुव शीतलवाल जो है ये पेट्रोलियम के राष्ट्रीय बिलियर्ड देता है क्या, तो ये याद रखेंगे ध्रुव शीतलवाल एग्जाम हो रहा है तो कुछ ऐसे ऐसे पर्सन का प्लेयर का नाम पूछ देते हैं जो काफी मतलब हाईलाइटेड नहीं होते हैं, कुछ कुछ जीते होते हैं और उनका नाम पूछ दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सौरभ कोठारी कोठारी को तो सबको जानते हैं बट ध्रुव शीतलवाल जो है अभी काफी फेमस नहीं है, उनका नाम याद रखेंगे आपने। ठीक है, फिर देखते हैं कि भारत 24 जनवरी 2024 में शुरू होने वाले सत्र के शुरुआती IFFF विश्व कप में भाग नहीं लेगा, ये जो है इसमें भाग नहीं लेने का मेन रीजन भारत का है, जो इनके प्रमुख जो निशानेबाज हैं उनको 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए मतलब रेस्ट देना ठीक है, तो इसलिए इसने डिसाइड किया है कि वो काहिरा में जो आयोजित हो विश्व कप उसमें भाग नहीं लेंगे, तो ये हो सकता है पूछ दे, ये तो नहीं पूछेगा कि भाग ले रही है नहीं ले रहे, ये पूछ सकता है कि IFFF विश्व कप कहाँ आयोजित कर रहा है, तो काहिरा में, और ये जो है 24 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अभी तो 26 जनवरी आ रहा है, तो उसको मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले जो बाइडेन को बुलाया गया था, बट उनके तरफ से डिनाई होने के बाद इंडिया ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मतलब ये यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ये जो इमैनुअल मैक्रों है वो फ्रांस के 6वें ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो यहाँ के गणतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इसके पहले जो है देख लेते हैं कि कब कब वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के मुख्य अतिथि बने थे, तो 1976, 1980, 1998 और 2008-2016 में मतलब पिछले 5 ईयर में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो गए हैं और 2024 में ये 6वें इमैनुअल मैक्रों होंगे जो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। तो हो सकता है पीटी में ये डेट पूछ दे कि फ्रांस के जो है राष्ट्रपति कब कब मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अमित शाह ने 22 दिसंबर को चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, ये याद रखेंगे क्योंकि पहला साइबर सुरक्षा है और अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी हाईलाइटेड बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी का भी स्टेटमेंट कंटिन्यू आ रहा है और डीप फेक और क्या क्या जो आ रहा है उसकी वजह से सुरक्षा केंद्र जो है चंडीगढ़ में खोला गया है और इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। कुछ भी पूछ सकता है, डेट भी याद रखेंगे 22 दिसंबर को, डेट भी पूछ सकता है क्योंकि अब दायरा बढ़ा हुआ है बहुत, और ये जो एक केंद्र है एकमात्र केंद्र है इससे सभी राज्यों को जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और इस केंद्र को सेंट्रल गवर्नमेंट 90 करोड़ रुपए खर्च की है। ठीक है, तो ये भी डाटा देख लेंगे मोटा मोटी। ठीक है, फिर एक देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि एक मलयालम मूवी 2018 एवरी वन इज ए हीरो, ये जो है 2024 के अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार आधिकारिक प्रविष्टि थी वहां की, ये जो है ऑस्कर के दौर से बाहर हो चुकी है और इसके जो निर्देशक है जूड एंथनी जोसेफ की ये फिर से हाईलाइटेड हो गई है या ऑस्कर हो गई, यही बहुत बड़ी बात है, तो इसको याद रखेंगे, इसके निर्देशक को भी याद रखेंगे। देखते हैं कि ये जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थे बजरंग पूनिया, ये जो हाल में जो अपना भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, खैर आज उनको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको मतलब जो चुनाव हुआ था उसी को भंग कर दिया गया है, लेकिन उनके जो संधि पदक लौटा दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे कि इसके विरोध में किसके द्वारा पद्मश्री लौटाया गया, तो ये है बजरंग पूनिया और एक और है हमारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय ही पहलवान है, उनको गुंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अभी वो भी इसके विरोध में अपना पद्मश्री लौटाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अल्टीमेट खो खो का दूसरा जो सत्र है वो ओडिशा में आयोजित किया जाएगा, ओडिशा के कटक में इसकी पहली मैच होगी, तो ये याद रखेंगे, हो सकता है पूछ रहे कि ये अल्टीमेट खो खो का आयोजन किस स्टेट में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक मशहूर चित्रकार और कवि थे इमरोज इंद्रजीत सिंह था। ठीक है, और इनका नाम अमृता प्रीतम की वजह से काफी फेमस रहा है, तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी रहे, तो
ये याद रखेंगे, और साथ में इनका एक और जो नाम है इंद्रजीत सिंह वो भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि SBI जो है देश में छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 20 वो बैंक के साथ 3.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1300 करोड़ रुपए का ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किया, समझौता किया है। ठीक है, ये जो कर्ज दिन में ग्रिड से जुड़ी छत वाली सौर PVC परियोजनाओं के लिए दी जाएगी। ठीक है, जो मतलब ग्रिड से जुड़े हुए हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको भी याद रखेंगे। फिर एक न्यूज आया हुआ है, इसमें बताया गया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 9.11 अरब डॉलर बढ़कर 615.97 अरब डॉलर हो गया, और पिछले 20 माह का ये सर्वोच्च मतलब विदेशी मुद्रा भंडार है। तो हो सकता है ये पूछ रहे डेट देकर कि ये जो सप्ताह खत्म हुई 15 दिसंबर को, तो उसमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो ये 615.97 अरब डॉलर है, और ये जो अभी नेम देंगे 69th वाले बच्चे उनको ये पुट करना होगा इकोनॉमी में, तो GS2 का जब इकोनॉमी सेक्शन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, और अभी तक भारत की जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार था वो 645 अरब डॉलर था जो 2021 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर देखते हैं आगे कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं और पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की को श्रीश्री यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स साइंस में मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया है। और ये जो दिलीप तिर्की हैं वो भारतीय हॉकी में सबसे अधिक 412 कैप मैच खेले हैं। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले ये दिलीप तिर्की हैं, और इनका जो खेल में योगदान है उसको देखते हुए श्री यूनिवर्सिटी द्वारा इनको स्पोर्ट्स साइंस में डीलिट की उपाधि दी गई है, और वर्तमान में ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है USA की, उनका एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि चक्रवात के कारण प्रभावित होने वाली आबादी जो है पिछले 17 वर्षों की अवधि में दोगुना से अधिक हो गई है। ठीक है, इसका यूज जब साइंस टेक लिखेंगे वहां पर होगा GS2 में। यह निष्कर्ष जो है 2002 से 2019 के बीच मतलब इसका अध्ययन किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि उसने कटिबंधीय चक्रवात में 2019 में लगभग 800 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। इन डेटा का यूज करेंगे जब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मेन में क्वेश्चन लिखा जाएगा तब यूज करेंगे इसका। फिर देखते हैं कि चेन्नई में आयोजित हो रही 61 जो राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें बिहार जो है अभी तक 6 पदक इनको मिला है, और अभी तक ये चल रहा है कि पदकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो इसमें देखते हैं कि पटना की राधा कुमारी इनको 3000 मीटर रेस में कांस्य पदक मिला है। बक्सर के अर्णव कुमार को फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, पटना के ही है नेतृत्व कुमार, इनको 1 लैप और 500 मीटर रेस में कांस्य पदक मिला है। और पटना की अनन्या कश्यप और रोलर फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में दरभंगा के ऋतुराज ने कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक वाले तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बट जिन्होंने स्वर्ण जीता है उनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये है बक्सर के अर्णव कुमार, फ्री स्टाइल में इनको मिला है स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे सहजानंद प्रसाद सिंह को JP इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र नई दिल्ली द्वारा यह पुरस्कार स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया है। तो ये हाईलाइटेड मतलब इम्पोर्टेंट रखता है ये नाम, तो इनको याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 से आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले जो बच्चे हैं अब उनको और उनके जो पोषण के लिए जो खाना दिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग जो है अब फोटो के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि 1 जनवरी 2024 से जितने भी सेविकाएं हैं जो कार्य कर रही है आंगनवाड़ी केंद्रों में, तब उनको एक स्पष्ट और सामूहिक फोटो अपलोड करना होगा एक ऐप पर। ठीक है, ताकि उनको ट्रैक किया जाए, उन पर प्रतिदिन नजर बनाए रखा जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। ठीक है, ये जो है इसके माध्यम से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण अभियान को धरातल पर उतारने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, एक अभियान बिहार गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, वो है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 अभियान। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 जनवरी 2024 से थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी,
जो स्टेट के जो पुलिस फेमस है ये लोग, बट इस अभियान के माध्यम से अब उनको एक टाइम में बांध दिया गया है कि जैसे ही आपके यहाँ कोई भी दर्ज होती है, रिपोर्ट करते हैं अगर कोई, तो आपको 75 दिन के अंदर उसको पूरा करना है इन्वेस्टिगेशन उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर ये जो रिपोर्ट है वो महिला अपराध से संबंधित है, अनुसूचित जाति जनजाति या पास्को एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में कांड दर्ज होते हैं, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 दिन का ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म इसका अलग अलग याद रखें, काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो अनुसंधान होती है उसमें औसतन जो टाइम लगती है 261 दिन का, तो सोचिए अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कितना मतलब राहत होगी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ ये 75 दिन पूरे हो जाएंगे और अभी वर्तमान में औसतन 261 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार के जो पुलिस महानिदेशक हैं वो आर एस भट्टी है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, ये मिलान में पूछ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपनी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसकी पोखरण फायरिंग रेंज में सेना के उद्याभ्यास अग्नि शक्ति में भाग लिया इन्होंने, और साथ ही अर्जुन टैंक की सवारी की। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किन्होंने भाग लिया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ रहे कि पोखरण फायरिंग रेंज कहाँ है, किस जिले में स्थित है, तो वो जैसलमेर हुआ, ठीक है। या पूछ दे कि अग्नि शक्ति जो है वो किस सेना से रिलेटेड है, तो नौसेना हुआ, या सेना हुआ, थल सेना हुआ। या पूछ दे कि अग्नि शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ, तो जैसलमेर के पोखरण में, मतलब कई तरह से इसको घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे हुआ था। और तो आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, मतलब ये पोखरण राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एयर एशिया का पहला वाइड बॉडी A350 फैसिलिटीज से 23 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंची है, ठीक है। और इस तरह का जो वाइड बॉडी वाला विमान है ऐसा प्राप्त करने वाला एयर इंडिया भारत का पहला एयरलाइंस बना है, और इस तरह की एयरलाइंस जिसमें जो है वो 20 एयरलाइन कि वो उन्होंने ऑर्डर दिया था, जिसमें से ये पहला इनको प्राप्त हो चुका है, और ये जो आया है दिल्ली में आया है। तो ये भी पूछ देता है कभी कभी कि कहाँ पे आया हुआ है, तो याद रखेंगे दिल्ली में आया है, ठीक है। और इसमें जो बैठने की क्षमता होगी 316 होगी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि मनरेगा में जो अभी अभी भी धांधली की जो न्यूज मिलती है, उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू डिस्प्ले, जो होगी उनके फोटो या फेसियल रिकॉग्निशन के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक ऐप पर उनकी फोटो को अपलोड किया जाएगा, और जाएंगे उनके फोटो को तत्काल खींच कर मिलाएंगे, तब जाकर उनको पेमेंट दिया जाएगा उनके अकाउंट में। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, इसका भी यूज आप मेन में करेंगे। और ये जो मतलब स्कीम है जो ये सोच रहे हैं, इसका ट्रायल शुरू है हरियाणा में, जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अब 2024 में इसको पूरे स्टेट में लागू करने की सोच रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि इसका ट्रायल कहाँ हुआ, हरियाणा में हुआ है। फिर देखते हैं कि ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिवासी महिला है एक रायमती छुरिया, ठीक है, इनको स्त्री अन्न प्रजाति के को संरक्षित करने के लिए G20 में इनको जो है ये इनको जो है वहां पे मिलेट क्वीन के उपाधि से नवाजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हो सकता है ये पूछ दे, काफी फेमस है ये, अभी हाईलाइटेड भी है, तो इनको याद रखेंगे। इनका नाम है रायमती छिवरिया और मिलेट क्वीन के नाम से इनको उपाधि दी गई है G20 के दौरान, ठीक है। और इन्होंने जो है 72 पारंपरिक किस्म के धानों को संरक्षित किया है, साथ ही 30 से अधिक श्री यानी मोटे अनाज के बीज को संरक्षित किया है, ठीक है, इसके वजह से ये फेमस हो चुकी है। फिर देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है फ्यूमिनेस को हराकर क्लब विश्व कप जीता है। क्लब विश्व कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेली जाती है और काफी फेमस भी है, तो याद रखेंगे इसको जो इस खिताब को जो है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूजीलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम का नाम अब बदलकर द मार्टिन गुप्टिल ओवल स्टेडियम के नाम मतलब किया गया है। ये क्यों किया गया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट और ऑकलैंड क्रिकेट ने मार्टिन गुप्टिल के सम्मान में है, जो प्लेयर है न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल उनके सम्मान में ये जो ईडन पार्क स्टेडियम है अब उसका नाम चेंज करके द मार्टिन गुप्टिल ओवल स्टेडियम किया गया है।
तो हो सकता है ये पूछ दे, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखे होंगे कि नासा की एक कैसिनी मिशन मतलब आयोजित हुई थी और इस पे अभी 69th में क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, पीटी में तो वो जो कैसिनी मिशन के माध्यम से है नासा जो एक मतलब खोज की है, उन्होंने बताया है कि शनि के जो चंद्रमा है एनसेलाइडस, इस पर जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन साइनाइड मौजूद है। तो ये नासा के द्वारा पता लगाया गया है। तो हो सकता है ये नाम पूछ दे कि ये किसकी मतलब चंद्रमा है जो शनि की है, और वर्तमान में शनि की सर्वाधिक चंद्रमा है जो 146 है। पहले बृहस्पति के हुआ करते थे, अब शनि के हो गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये कैसिनी मिशन के द्वारा हुआ है। इस मिशन जो भी मतलब पॉपुलर होंगे तो उसको भी आप लोग को याद रखना होगा किससे कौन सा मिशन संबंधित है, क्योंकि बीपीएससी जो है अब इसके भी क्वेश्चन बनाने लगी है। ठीक है, अब बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक मतलब डिसीजन लिया गया है कि यहाँ की जो नहरों की पानी है वो किस तरह से किसको कैसे मिल रही है, एक एक बूंद के हिसाब को रखने के लिए एक ऐप का यूज करेंगे। और ये जो ऐप है उसका नाम है इंडियन एंड डिस्चार्ज सिस्टम वेब। ठीक है, इसके माध्यम से बिहार गवर्नमेंट जो है नहरों के पानी का अब मतलब नहरों के पानी पर अब ये अब नजर बनाए रखेंगे ताकि इसका जो किसान वगैरह को लाभ अच्छे से मिले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जमुई जिला स्थित केड़िया नामक ग्राम है बिहार का 100% जैविक खेती करने वाला गांव बन गया है। तो ये भी याद रखेंगे। और इसको जो प्रमाण पत्र दिया है वो सिक्किम स्थित जो जैविक संरक्षण के लिए मतलब जैविक ग्राम बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की है इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा दिया गया। यहाँ की 45 किसानों को ये प्रमाण पत्र दिया गया और 100% जैविक ग्राम बनने वाला ये बिहार का पहला गाँव है जमुई स्थित केड़िया नामक गाँव। ठीक है, तो आज और कल इतना ही था। फिर आप लोग जरा बताइए ये कि ये मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में 27 से 29 दिसंबर। हाँ, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी?